माय फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और देखिए बिल्कुल हमारे खूबसूरत से एसियाटिक लिली भी आपका वेलकम कर रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये और ये वी ब्लूम हुए हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे अजेलिया प्लांट के ऊपर कि हम उसको गर्मी में कैसे बचा के रखें जिससे कि वो हमको नेक्स्ट जो विंटर आने वाली है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें और वैसे ही मैंने वीडियो बहुत पहले बनाई हुई है लेकिन लोगों का फिर से कमेंट है बहुत सारे कमेंट आए हैं मुझे जब मैंने अपना गार्डन ओवरव्यू किया था कि उसमें अजेलिया ब्लूम दिखाए थे तो लोगों ने कहा है कि आप फिर से बताएं तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम अजेलिया को कैसे बचाते हैं इस तपती हुई गर्मी से तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा अजेलिया का कलेक्शन जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं सारे अपने अजेलिया और आपको इक्का दुक्का इसमें ब्लूमिंग भी दिख जाएगी देखिए वो वहाँ व्हाइट वाले में भी ब्लूमिंग हो रही है तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड जब आपने इनको रिपोर्ट किया होगा नर्सरी से लाने के बाद में तो उसी समय मैंने आपको अगर आपने विंटर वो समर वाला या विंटर वाला दोनों ही सीजन में मैंने इसके केयर बताए हैं तो जब आपने विंटर वाला देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको पॉटिंग सॉइल बताई है अगर जो मैंने पॉटिंग सॉइल बताई है आपको पत्तियों की खाद वाली अगर आपने वो पॉटिंग सॉइल ली है तो फिफ्टी परसेंट तक आपका काम हो चुका है अगर आपने सॉइल में लगाया है जैसे हम ऑर्डनरी सारे प्लांट्स लगाते तब तो आपके लिए दिक्कत आने वाली है ये प्लांट हो सकता है आपका डाई हो जाए पर मैंने जो है देखिए पत्तियों की खाद में लगाई और ये कितनी पोरस होती है ये देखिए अभी मैंने वॉटरिंग की है लेकिन फिर भी देखिए कितनी पोरस है ये मैंने घर की पत्तियों की में लगाई है अगर आपने अभी तक पत्तियों की खाद नहीं बनाई है तो मेरे चैनल पे है कि पत्तियों की खाद को कैसे बनाते हैं आप जाके देख लें जिससे कि नेक्स्ट विंटर जब आप आए तो आप उसको उसी में प्लांट करें तो फर्स्ट पॉइंट तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको विंटर से ही केयर करनी है इनको पत्तियों की खाद में लगाना है क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इनको मट्टी और बंधी हुई सॉइल बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो इसमें मैंने पत्तियों की खाद से ही इनको ग्रो किया है अब सेकंड पॉइंट जो समर के लिए है अब आपको इनको क्लाइमेट ऐसा दे देना है जिसमें कूल क्लाइमेट हो तो आपके भी गार्डन में कोई ना कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल होता होगा आपको भी पता होगा जहाँ आप इंडोर प्लांट्स सी प्लांट रखते हैं वहाँ पे इनको प्लांट कर दें तो देखिए ये एरिया जो है मेरा ईस्ट से इधर सुबह की धूप केवल आती है क्योंकि उसके बाद में देखिए यहाँ पे काफ़ी घना घना सा पैसी फ्लोरा और मेरे जो है रोज़ वाइन ये सारी चीज़ बड़े बड़े प्लांट हैं तो इन पर धूप नहीं आ पाती है सिर्फ सुबह की नौ दस बजे की धूप आती है इतनी इनफ है क्योंकि आपको भी पता है नौ दस बजे की धूप इतनी तेज नहीं होती है तो उतनी देर की इनको धूप चाहिए भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए तो बस उतनी ही देर की धूप इनको मिल पाती है उसके बाद में इसमें शेड आता है अंधेरा जैसा नहीं शेड आता है बहुत से सन लाइट आती है तो बेसिकली जो अज़ेलिया होते हैं फ्रेंड्स ये रोरो रोरोट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हिल स्टेशन के प्लांट हैं और ये वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज और इस तरीके से ट्री वगैरह के नीचे शेड में लगते हैं बड़ी सी ट्री है उनके अंदर यहाँ पर इस तरीके से मैं ये लगे होते हैं और मैंने इनके बहुत बड़े बड़े से प्लांट देखे हैं जब मैं अभी काठमांडू गई थी कुछ महीनों पहले तो मैंने वहाँ पे इनके इतने पुराने पुराने प्लांट देखे उनका ट्रंक वगैरह इतने मोटे मोटे हो गए थे क्योंकि वो वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि वो यहाँ वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं तो अब बात हो गई फ्रेंड्स इसकी सनलाइट की तो अब आप देखिए कि कहाँ पे आपका कूल क्लाइमेट है वहाँ पर इनको प्लेस करें और दूसरी बात जहाँ पे भी आपका नल का सोर्स होता है ना जैसे नाली जैसे मेरे यहाँ तो यहाँ पे नाली है ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छी सी नाली है तो यहाँ पर हमेशा कूल रहता है यहाँ पर हमेशा गीला गीला सा रहता है ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो मेरा कहने का मतलब है आप ऐसी जगह इनको प्लांट करें जहाँ पर ह्यूमिडिटी बनी रहे और अगर आपके गार्डन में ऐसा कुछ जगह नहीं है कि ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रही है तो आप कर सकते हैं कुछ बाउल्स ले लें टब ले लें उनमें कुछ पत्थर डाल दें मतलब कुछ जो पत्थर आते हैं ना स्टोन्स, वो डाल के इनके इर्द गिर्द रख दें जिससे कि जब पानी वास्वीकृत होगा तो एक ह्यूमिडिटी बन जाएगी जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से चल सकेगा तो आपको दिख भी रही होगी मेरे में नए नए से ग्रोथ हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है तो देखिए फ्रेंड्स इनकी डेड हेडिंग भी करना बहुत जरूरी है जैसे ये फ्लावर हुआ है ब्लूम हुआ है तो मैं इसको तुरंत ही एक दो दिन में अभी तो ये ब्लूम नहीं हुआ जैसे ये ब्लूम हो जाता है मैं इसको पिंच कर देती हूँ मतलब वहाँ से हटा दी नहीं तो इनमें सीड भी बनते हैं वैसे सीड से प्लांट बहुत देर में प्रोपोगेट होते हैं पर इसमें सीड भी बनते हैं अगर सीड बनेगा तो प्लांट आपका डाई ही, ही होगा आपको भी पता है कि वो अपनी सोचता है प्रक्रिया मेरी पूरी हो गई है तो मैं सीड इसमें बिल्कुल भी नहीं बनने देती हूँ अब समर केयर में और मैं बात करूं तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो है अटैक बहुत होता है फंगस अटैक तो होता ही होता है और जो थ्रिप्स और माइट्स हैं इन सब का भी बहुत अटैक होता है तो आप बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इनमें हर हफ्ते फंजीसाइड का स्प्रे करें और नेक्स्ट वीक आप इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें तो दो चीज़ इसमें भी बहुत मस्ट है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और फंजी साइड ये तीनों चीज़ों को अगर आप स्प्रे करते हैं ना इनको खाद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप इनको कोई भी फर्टिलाइजर इस टाइम मत दें वैसे भी इनमें इतना न्यूट्रिशन खाद वाले ही ये सॉइल में लगे हैं तो इनको खाद की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है पर अगर इनको आपने पेट्स से बचा लिया तो ये आपके सर्वाइव कर जाएंगे तो इनमें इस टाइम बहुत ही ज़्यादा थ्रिप्स माइट्स और जो है इंसेक्ट्स का आपको नजर आएंगे तो आपको मैं बताऊं कैसे नज़र आते हैं वो तो जैसे जैसे ये आपकी लीप्स हैं तो ये एकदम अजीब से इस तरीके से मुड़ी मुड़ी सी रहेंगी और इस तरीके से एकदम आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा देखिए ये कितनी खिली खिली सी है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपने वर्ड में तो देखिए जैसे ये है लीफ नई लीव्स आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ से इसके फ्लावर को हटाया उसके बाद में देखिए दो नई सूट्स आ रहे हैं तो जो थ्रिप्स और माइट्स का अटैक होता है तो ये प्लांट की लीप्स जो है इस तरीके से घुमची घुमची से टाइप की रहती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके प्लांट पे थ्रिप्स या माइट्स का अटैक हुआ है तुरंत आप स्प्रे करें और मैं तो कहूँगी रेगुलर बेसिस स्प्रे करें जिससे कि आपका प्लांट बचा रहे और उसके बाद में फ्रेंड्स अगर अब आपने सॉइल में लगाया है तो आप कर क्या सकते हैं तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर आपने सॉइल में लगाया है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बचेंगे लेकिन अगर बचाना ही है क्योंकि हम तो कोशिश कर ही सकते हैं तो आपको करना क्या है इसकी सॉइल के ऊपर मल्च कर दें सूखी पत्तियों से मल्चिंग कर दें या राइस खल से मल्चिंग कर दें या कोकोपीट से मल्चिंग कर दें लेकिन अगर आप कोकोपीट से मल्चिंग कर रहे हैं तो पानी का विशेष ध्यान दें क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है और वो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है मैंने पत्तियों की खाद लगा में लगाया है इनको तो ये पानी तो उतना ही पानी होल्ड करते हैं जितना इस प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी से ये पत्तियों के खाद में लगते हैं इनको बिल्कुल पानी इस तरीके से चाहिए मॉइस्चर तो मेंटेन रहे पर यह सौगी ना रहे सॉइल के साथ में ऐसा नहीं होता है सॉइल हमेशा ही सौगी हो जाती है तो अगर आपने सॉइल में लगाया है तो इसके ऊपर पत्तियों से मैं कहूँगी आपके अभी गुलदाउदी वगैरह की पत्तियाँ निकली होंगी या कोई भी प्लांट देख रहे होंगे इसमें पच पतझड़ का जो मौसम है उससे पीली पत्तियां आ रही होंगी उनको एक दिन की धूप दे दें जिससे उसमें कोई भी फंगस वगैरह ना रह जाए उससे इनको मल्च कर दें बिल्कुल अच्छे से मल्च कर दें और दूसरा काम जो मैंने बताया है पानी इनके इर्द गिर्द रख दें तो ये बहुत अच्छे से चल सकते हैं आपके तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स समर में अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आपके भी अजेलिया के प्लांट जो हैं बिल्कुल हैप्पी रहेंगे और खिलेंगे भी एक दो खिलेंगे बहुत ज़्यादा आप इनसे मत डिमांड वो रखें कि बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे जैसे कि हमारे विंटर में करते थे तो पहला पॉइंट है आपको इनकी सॉइल को मल्च करना है दूसरा इनकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है तीसरा इनको शेड में रखना है चौथा है इनको पर्सियल सनलाइट ओ सॉरी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर करना है तो ये पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखें और बिल्कुल इसी तरीके से केयर हमारी कमेलिया की भी है तो ये कमेलिया को भी मैंने देखी है फ्रेंड्स अपनी इसी सॉइल में लगाया है और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा जो फ्रेंड्स बोल रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए हमारे तो अजेलिया बिल्कुल डेड हो रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग भी ये काम करें अब मैंने इस टाइम बोला है कि आप पतियों की खाद में लगें तो आप बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल ये करने की कोशिश नहीं करिएगा कि आप इनको रिपोर्ट करने लगें इनको जिस हालत में उसी हालत में रखिए अभी रिपोर्ट बिल्कुल भी मत करिएगा रिपोर्ट हम करेंगे जैसे ही हमारा सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा तब हम रिपोर्ट करेंगे इनको अच्छी सिखा देंगे सब कुछ तभी हम करेंगे अभी इनमें हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो चलिए फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी ओके माई फ्रेंड्स बाय हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ